और मैं अब आपको दिखाता हूँ घाट का व्यू। तो फाइनली ये है घाट का व्यू, देखो। हम जा रहे हैं, घाट का व्यू दिखा दिया मैंने आपको, घाट का व्यू देख लिया आपने, कैसा लगा कमेंट में बताना। और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। हर की पौड़ी यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे है शायद, मुझे भी कन्फर्म नहीं है। और वैसे ना इस समय ऑफ सीज़न है इसलिए भीड़ कम है, क्योंकि यहाँ का जो पार्किंग वाला मैं बता रहा था कि भाई ऑफ सीज़न है तो ऑफ सीज़न में भीड़ कम मिलती है। और अप्रैल से सीज़न शुरू हो जाएगा, और जैसे ही सीज़न शुरू होगा ना भाई, वो कह रहा है कि भीड़ अंधी भीड़ होती है। फिर मेरे पीछे देखने को मिल रहा होगा आपको एक डमरू, दिख रहा है वो। और बाकी यहाँ मैंने एक शिवजी जी भी देखे थे, तो कई वीडियोस वगैरह में भी देखे हैं, बट अभी देखते हैं वो शायद आ गए हैं। वो हम नहाएंगे हर की पौड़ी पे। और गाइज मैंने आपको टाइम तो बताया नहीं, हम निकले थे सुबह 4 बजे और पहुँचे हैं, कितने बजे पहुँचे भाई? 10 बज गए हैं। लेकिन हम इतना लेट इसलिए पहुँचे क्योंकि हम रुकते रुकाते हुए आए हैं, कहीं पर खड़े हो गए, ऐसा कह सकते हो। तो इसलिए हम लेट आए हैं, कहीं पे चाय के लिए रुक गए, कहीं पे कोई शॉट के लिए रुक गए, तो ये टाइम है। नहीं तो हमारे घर से ये 3.5 और मोस्टली 4 घंटे का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा भाई बोरिया बिस्तर समेटते हुए यहाँ पर गए, हम थोड़ा सा नाश्ता, देश छोड़ के, नहीं नहीं देश मत छोड़ो यार, हम यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रुके थे क्योंकि सुबह से निकले हुए 4 बजे से और भूख लगी थी बहुत तेज, क्योंकि रास्ते में हमने कुछ खाया नहीं। तो यहाँ जो हम घर से लेके आए थे वो हमने नाश्ता कर लिया और एक आध चाय पी ली। सो अब हम जा रहे हैं यहाँ पर जो फेमस है हरिद्वार की हर की पौड़ी, और वहाँ पर जाके स्नान करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्लान कर रहे हैं आगे का। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. और देखो ऑफ सीज़न चल रहा है, और ऑफ सीज़न में देखो इतनी भीड़ देखने को मिल रही है भाई, अच्छी भीड़ हो रही है इस समय। और ये अभी ऑफ सीज़न है, सुबह आए थे तब तो भीड़ कम थी, तब हम कह रहे थे कि भीड़ कम है, ऑफ सीज़न है इसकी वजह से, लेकिन अब जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हमने एक नई चीज़ देखी कि ना लोग देखो क्या ढूँढ रहे हैं, लोग कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या ढूँढ रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। लोग ढूँढ रहे हैं जो कि यहाँ जैसे अस्थियाँ विसर्जित होती हैं, ठीक है, उनके साथ कई बार सोने चांदी की चीज़ भी विसर्जित कर देते हैं लोग, तो वो ये लोग ढूंढ रहे हैं। कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली को मिलती हैं तो इसलिए ढूंढते हैं, जिसमें सिक्के हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, पैसे हो गए, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। हम कम से कम 1.5 किलोमीटर से ऊपर चल लिए, जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी है वो यहाँ से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के अराउंड होगा, इतनी दूर चल ली हम। इतना पैदल चला दिया है ना कि हालत ऐसी होगी, चश्मा लगा के रखूँ या हटा के रखूँ, देख काला ही रहा कमजोरी की वजह से। भाई पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है भाई, अच्छा खासा ठंडा पानी है, आत्मा तृप्त हो जाएगी नहा के गंगा में, ये तो है। मतलब पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, ओ
सो नहान डन हो चुका है हमारा, अभी हम यहाँ से फटाफट से पैकअप करके निकलेंगे। ये भाई तो पहले ही नहा लिया था, ठीक है अपना मस्त, कह रहा पहले जाने का मन नहीं कर रहा था, अब आने का नहीं कर रहा। और सेम ये सब सब यही हुआ, मतलब पानी ठंडा इतना है लेकिन एक्चुअल में अब बड़ा मज़ा आ रहा है। और पीछे कितने लोग नहा रहे हैं देखो, बहुत सारे लोग। पहले तो भीड़ कम थी, हमें लगा कि ऑफ सीजन है तो भीड़ कम होगी, लेकिन अब जैसे जैसे डे बढ़ गया अब भीड़ भी बढ़ गई। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद मतलब मैंने कुछ एलिमेंट्स किए और अपनी जिमनास्टिक स्किल्स को थोड़ा सा यादों को ताज़ा करा। मतलब पब्लिक में बेसिकली रील्स वगैरह बनाता हूँ और मैं यूट्यूब पे अपना स्टार्ट करा रिएक्शंस, तो दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्शन वीडियो। और मैंने सोचा मैं हरिद्वार आया हूँ, ब्लॉग तो कर रहा हूँ तो साथ में आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन भी करूँ, और मैंने इसीलिए रिएक्शन वीडियो शूट कर लिया। तो कुछ क्यूट रिएक्शन मुझे मिल गए और वो आपको देखने को मिलेंगे। अब तो कमेंट में बताना कि आपको कौन सा वाला रिएक्शन सबसे अच्छा लगा। देखो ये वो घास है जो कि पानी में डालने के बाद हरी हो जाती है, ऐसी होती है और ऐसी हो जाती है, देख रहे हो ऐसी हो गई, ऐसी 20 रुपये के आसपास की होगी, है ना 30 रुपये। मैं सही बताऊं, एक बार लेके गए थे, पापा लेके गए थे 3 महीने पहले हरिद्वार आया था, तो घर ले जाके ना ये हरी नहीं हुई ये घास। तो गाइज हम फाइनली नहा के थोड़े से रिएक्शन वीडियो शूट करके हम लोग आ गए पार्किंग में जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, गेस करो कहाँ निकल रहे हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, यानी कि कितने 25 से 26 किलोमीटर दूर है। अगर आपने गेस करा है ऋषिकेश तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अब सोच रहे हैं ऋषिकेश निकल जाएँ और वहाँ थोड़ा सा राफ्टिंग, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था राफ्टिंग का, और ये हमारे जो भाई हैं इन्होंने राफ्टिंग की भी नहीं है कभी, और मैं तो एक बार कर चुका हूँ, लेकिन नहर में बहुत तैरा हूँ, ये गाँव की नहर में बहुत तैरा भाई। सो फैमिली हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार की जो फेमस मूर्ति है वो ये सिद्धि जी की है, ये मतलब कहीं भी आपको कोई फोटोज दिखेगी ना उसमें सिद्धि जी सबसे पहले दिखेंगे आपको हरिद्वार के। मेरा तो मतलब ड्रीम था कि मैं पहाड़ों में बाइक लेके पहुँच जाऊँ, और फाइनली भाई ड्रीम पूरा हो गया। मतलब ये भाई मौसम, मैं चाह रहा था कि ऐसा मौसम में हम पहुँचे, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी भाई, और बारिश में ना आप निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फाइनली ऐसा मौसम मिल गया और मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। गर्मी तो हो रही है लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो गाइस ये है यहाँ की मोतीचूर नदी, और यहाँ से अपना ऋषिकेश स्टार्ट हो गया, देख रहे हो यहाँ से अपना ऋषिकेश की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है। और इधर का व्यू देखो भाई, बड़ा जानदार व्यू है, रुक के लेना पड़ेगा। इधर का व्यू देखो खतरनाक एकदम, ये कोई मोतीचूर करके नदी है वो है, ये व्यू देख रहे हो उधर का, ऐसे पहाड़ शुरू हो गए हैं ऋषिकेश के, ठीक है इसी के लिए आए थे हम, अब इसी के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। वहाँ पीछे का इस बोर्ड लगा रखा था कि यहाँ पर जानवर वगैरह हैं, तो थोड़ा दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी है, तो गाड़ी संभल के चलानी है, ऐसा कुछ करके बोर्ड था पीछे। ऋषिकेश 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर रह गया बस। सो फाइनली हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं, मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, हमें मतलब 30-32 किलोमीटर कुछ का सफ़र हमारा पड़ा। सो गाइस आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और एक ब्लॉग में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, हम आ गए हैं ऋषिकेश, तो एक ब्लॉग में एंड कर रहा हूँ।
और एक व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।